आज का हमारा प्रश्न है, सहक्रमक क्रिया किसे कहते हैं। अगर हम व्याकरण की भाषा में बात करें तो जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है या पड़ती है उसे सहक्रमक क्रिया कहते हैं। कोई भी कार्य अगर नहीं है तो सहक्रमक क्रिया जो होती है कर्म के अभाव में अपना पूरा अर्थ प्रकट करने में असमर्थ रहती है। अब यहाँ पर आप उदाहरण देखिए कि राम पत्र लिखेगा। अब राम लिखेगा यदि ऐसे लिख दें तो पत्र के बिना वाक्य अधूरा रह जाएगा। क्या लिखेगा? राम पत्र लिखेगा। तो पत्र यहाँ पर कर्म है। अगर हमें कोई वाक्य पूरा करना है जिसका अर्थ स्पष्ट करना है तो हमें कर्म की आवश्यकता होती है। अब हम केवल यह कह देंगे कि राम लिखेगा तो हमें कोई उसका वाक्य का तात्पर्य नहीं है। इसी प्रकार से हम बोल दें कि श्याम ने खरीदी। अब श्याम ने खरीदी लेकिन क्या खरीदा है कोई भी स्पष्ट यहाँ पर बात नहीं हो रही है। इसलिए यदि हम इसमें घड़ी शब्द जोड़ दें कि श्याम ने घड़ी खरीदी तो यहाँ पर घड़ी खरीदी कर्म की ज़रूरत हुई हमें, तो ये कौन सी क्रिया है? सहक्रमक क्रिया है। अब यहाँ पर पत्र भी कर्म है और घड़ी भी कर्म है। यदि हम इन दोनों को इन वाक्यों में नहीं जोड़ते तो इस वाक्य का अर्थ जो था वो अधूरा रह जाता। कोई भी क्रिया जो होती है उसमें यदि कर्म है साथ में, जैसे रमेश खाना खाएगा। अब रमेश खाएगा उसका कोई मीनिंग नहीं है, रमेश खाना खाएगा तो यहाँ पर पूरा वाक्य कब बन रहा है? जब हम उसमें कर्म को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर खरीदी, लिखेगा, खाएगा, ये कौन सी क्रियाएं हो गई? सहक्रमक क्रियाएं हो गई, जिनके लिए हमें कर्म बताना ही पड़ेगा कि क्या काम हम करेंगे। इस तरह से कर्म के साथ वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है? सहक्रमक क्रिया कहा जाता है।